सर, सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, बिल्कुल सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट सर, सर बिल्कुल सर, नहीं सर अब कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी आपको सर, सर सर सुन लिया तुमने, इस महीने में 10वीं कंप्लेन है ये, एक लड़की अपने साथियों के साथ मिलकर लूट मार करती फिर रही है। सर हमने गश्त भी बढ़ा दिया है। मोबाइल गश्त से कुछ नहीं होगा, वर्दियां उतारो और सादा लिबास में गश्त करो बाइक पर, और मुखबरों को टाइट रखो। बेहतर सर, आज ही सबको मैं अलर्ट कर देता हूँ। एक लड़की ने नाक में दम करके रख दिया, हद है। बस सर एक बार हाथ आ जाने दे, सारी कसर निकाल देंगे। शट अप, वो खुद थाने में चल के आएगी। सॉरी सर। हेलो जी, जी कहाँ? आप मुझे एड्रेस लिखवा। ठीक है जी, ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं, गाड़ी निकालो जल्दी। इसे मारा है आप लोगों ने? ना, तो कैसे हार पहना के रखते? अरे अरे शहजादी को तो हमने सिर्फ जूतियां मारी हैं, ये तो हमें गोली मार रही थी। पिस्टल कहाँ है? पिस्टल सर ये रहा, अगर मैं इसे पिस्टल ना लेता तो ये तो फायर ही कर देती। अकेली थी ये? इतना बड़ा काम ये अकेले तो नहीं कर सकती, कोई ना कोई तो होगा इसके साथ। सर और कौन कौन था तेरे साथ? कोई नहीं था मेरे साथ। अरे आप इसे दो लगाएंगे ना सब उगल देगी ये। पता तो सब चल जाएगा, पहले भी डकैतियां की हैं तुमने। पुलिस को कई दिनों से इलाकों में ऐसी वारदातों की इत्तलात मिल रही थी जिसमें एक नौजवान लड़की ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। बारहा कोशिश के बावजूद मुलजिमा पुलिस को चकमा देकर साथियों के साथ फरार हो जाती थी। 3 दिसंबर बरोल जुमेरात पुलिस को 15 पर इत्तला मौसूल हुई कि राबिया विलास में मकीनों ने एक खातून डाकू को पकड़ कर तशद्दुद का निशाना बनाया, लिहाजा पुलिस फौरन एक्शन लेते हुए जाए वकूअ पर पहुंचकर मुलजिमा रानो को अवाम के चुंगल से बचाकर अपनी हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले आई। अब शराफत से बताओ और कौन कौन था तेरे साथ? दोस्त थे मेरे। दोस्त? और कितने दोस्त साथ लाई थी तू? क्या नाम है उनके? सनीम और नुमान। अब कहाँ है वो? मैं नहीं जानती सब। तुझे नहीं पता? वो तेरे साथ नहीं आए थे क्या? वो मेरे साथ ही आए थे मगर तुम लोग यहीं ठहरो, मैं ऊपर का जायजा लेकर आती हूँ। अकेली जाएगी तो क्या हुआ, इस दुनिया में भी तो अकेली आई थी ना। फिक्र ना कर, ऊपर जाकर मैसेज करूंगी, आ जाना। ठीक तो कह रही है, जाने दे। सामान तो है ना तेरे पास? वो तो हर वक्त रहता है। हल्का मत ले से, बहुत बड़ी चीज है ये। मालूम है। बड़ी दलेर है तू, अकेली ही किला फतह करने निकल पड़ी, अब कहाँ है वो दोनों? सर मेरा ख्याल है ये लोग शोर सुन के फरार हो गए। कहाँ जाएंगे, जमीन के नीचे या आसमान के ऊपर? कब से डकैतियां मार रहे हो तुम लोग? साहब ये मेरी दूसरी वारदात थी साहब। बकवास करती है, 10 कंप्लेन तो हमारे पास मौजूद है जिनमें डकैतों के साथ लड़की भी मौजूद थी और वो तू है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं एक गरीब घराने की लड़की हूँ। बहुत अच्छे, जिस घर में लड़की डकैत हो वो घर गरीब भला कैसे हो सकता है? हो सकता है तू घर वालों की शय पे ये सब कुछ करती हो? नहीं साहब, मेरी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कुछ नहीं जानती। क्यों, लूटी हुई रकम किसी और पे जाके खर्च करती है तू? नहीं साहब, अपने घर का सब कुछ मैं ही पूरा करती हूँ। और बाप क्या करता है तेरा? मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे सर पर कोई भाई भी नहीं है,
दो छोटी बहनों की शादी कर दी। एक छोटी बहन और माँ मेरे साथ रहते हैं मेरे बाप के मर जाने के बाद से। अम्मी मैं सोच रही थी कि मैं भी परवीन के साथ फैक्ट्री में नौकरी कर लूं। नहीं बेटा, तेरे अब्बा पसंद नहीं करते थे, तुझे मालूम है ना। अम्मी अब अब्बा नहीं रहे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, कोमल की पढ़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। अम्मी बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं और बाजी दोनों मिलकर जॉब कर लेते हैं। तुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, सब मैं कर लूँगी। बेटा फैक्ट्री में काम कौन सा आसानी से मिल जाता है। ले तू दाल चढ़ा और यहाँ आके बैठ, मुझे बता। घर में जो सबसे बड़ा होता है उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से उठाना होता है और उन्हें हर हाल में पूरा करना होता है, क्योंकि उनसे घर वालों की बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। घर वालों को ये लगता है कि उसने हर हाल में उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। यही सिचुएशन रानो के साथ भी पेश आई। जब उसके फादर का इंतकाल हो गया तो वो अपने घर में ओनली पर्सन थी जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती थी और अपनी छोटी बहन को पढ़ाई करवा सकती थी आगे। चलती हूँ। बेटा नाश्ता तो आराम से कर लेती। अम्मी मैं नहीं चाहती कि मैं पहले दिन ही लेट हो जाऊँ। बेटा अपने काम से काम रखना, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। अम्मी इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, फिर कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर आपकी बेटी को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है मैं चलती हूँ। अल्लाह तुझे अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना मेरे मालिक। नहीं आइएगा क्या? तनख्वाह मिल गई? हाँ मिल गई। ये ले अम्मी 8,000 रुपए। सुन परवीन, मुझे जरा काम से जाना है, मैं थोड़ी सी देर हो जाएगी मुझे। अब अगर अम्मी पूछे ना तो तू बोलना कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, सही है? नहीं आइएगा? नहीं, नहीं तो नहीं आई। कल भी आई थी पर आप लोग छुट्टी पर थे। पहले कभी कहीं काम किया है? जी नहीं, मैंने बाकायदा कभी जॉब नहीं की। बेकायदा तो क्या होगा, घबराएगा नहीं, यहाँ सब नए आते हैं और कुछ दिनों बाद ही पुराने हो जाते हैं। तुम भी हो जाओगी। वो मेरी लाइन में 2 मशीनें खाली है, वहाँ बिठा देना, काम मैं समझा दूंगा। हाँ वहीं लेकर जा रही थी। कौन थे ये लोग? अरे हमारी तरह ही काम करते हैं, बस थोड़े सीनियर हो गए। रानों के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां थी, उसने अपने आप को घर का सबसे बड़ा फर्ज समझते हुए उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना शुरू कर दिया। उसने एक जॉब शुरू की, लेकिन क्योंकि बहुत सी इंसान की ऐसी नीड्स होती हैं जो कि इंसान दबा तो देता है, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि वो नीड्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कि बेसिक नीड्स होती हैं जिसके अंदर खाना पीना आ जाता है, अच्छा पहनना आ जाता है, जो भी हो है। तो रानो भी एक लड़की ही, उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी नीड्स हैं। वो अपने आप को भी दूसरों से कंपेयर करती है कि जिस तरह की ज़िंदगी उसकी उम्र की दूसरी लड़कियाँ गुजार रही हैं वैसी ही वो भी गुजारे। और जब उसे वो सारी चीज़ें नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं एहसास कमतरी भी उसके अंदर आती है। और जिस इंसान के अंदर एहसास कमतरी पैदा होने लगती है वो उसको फिर आगे बहुत सी बुराइयों की तरफ लेके जाना शुरू हो जाती है।
गया, रानो अभी तक नहीं आई। आ जाएंगी अम्मी, कभी कभी रास्ते में देर हो जाती है। लगता है रानो आ गई। बड़ी उम्र है बाजी, यकीन जाने अभी आपको ही याद किया था। हाँ कभी कभार देर हो जाती है, आज तनख्वाह भी मिलनी थी ना। क्या तनख्वाह मिल गई? हाँ मिल गई, ये ले अम्मी 8,000 रुपए। अरे तू अपने किराए भाड़े के लिए तो रख लेती। अरे अम्मी मैंने रख लिए हैं। बस 8,000? हाँ मुझे पता है इसमें गुजारा नहीं होगा। तू फिक्र ना कर, दाल रोटी तो चल जाएगी ना। अम्मी आजकल दाल और मुर्गी का एक ही भाव हो गया। इस महीने ओवर टाइम भी नहीं था ना, इसलिए थोड़े पैसे कम है। चल खैर है, तू हाथ मुंह धो और कोमल तू जाके खाना गर्म कर। जी अम्मी। मुलजिम रानू के मुताबिक उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, उसका कोई भाई नहीं था, दो छोटी बहनों की शादी हो चुकी थी, जबकि एक छोटी बहन और बूढ़ी वालदा के साथ वो लालू खेत में रिहाइश पजीर थी। चूंकि उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उसने एक गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली थी, जहां उसकी मुलाकात सनी और नुमान से हुई, जो बाद में दोस्ती में तब्दील हो गई थी। आस्तीन का लास्टी। हाँ भाई क्या हो रहा है? अल्लाह ने आंखें दी है ना, देख लो। देख तो रहा हूं। मुझे नहीं, काम को देखो। मैं समझा खुद को देखने का कह रही हो। मैं कोई देखने की चीज हूँ क्या? हमसे पूछो। अच्छा बातें बंद करो, ये बताओ चाय पिला रहे हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा नुमान किधर है? चाय पीनी है नहीं पीनी? हाँ हाँ क्यों नहीं पीनी, चलो चलो चलो। यार उसको फोन करके तो देखो, नाराज हो जाएगा वो, हम उसके बगैर चाय पीने आ गए। अरे नहीं होगा, कौन सा रोजाना पीते। तुम फोन करके तो देखो। हाँ भाई अकेले अकेले चाय पी जा रही है। पूछ लो इससे, मैंने पूछा था तुम्हारा, लेकिन चाय की ऑफर थी तो मैं ठुकरा कैसे सकती थी। इससे बड़ी ऑफर मैं दे सकता हूँ। क्या ऑफर देगा? खाने की? ये भी हो सकता है। तो मैं खा लूंगी। इसलिए कहते बेटा सोच समझ कर बोला कर, फंस गया ना। तो क्या हुआ, आज का खाना मेरी तरफ से। लेकिन यहाँ नहीं खाएंगे, कहीं बाहर चल के खाएगा। अबे मंजूर है कि अपनी तरह समझेगा मुझे? तो फिर डन, आज का खाना तेरे पल्ले से खाएंगे। नहीं यार देर हो जाएगी, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे यार तुम घर पे कह देना ना, ओवर टाइम लगा रही थी। ओवर टाइम के पैसे भी मिलते हैं। अबे इतने कंजूस आदमी की ऑफर ठुकराया नहीं करते, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा ये। मेरे साथ तो चली भी जाएगी वो, लेकिन तुझ पे भरोसा नहीं है उसको। यार जाने को मैं तुम दोनों के साथ जा सकती हूँ, लेकिन अम्मी परेशान हो जाएंगी, प्लीज। अबे इतनी देर थोड़ी होगी। अबे यार कहाँ ना, जल्दी वापस आ जाएंगे, जल्दी चाय पियो बस, चले चलो निकलते हैं। बस कर, खत्म करेगा क्या? अच्छा ऐसा करो तुम दोनों नीचे पहुंचो, मैं आती हूँ, सही है? चल जल्दी आ जाना। हाँ सुन परवीन, मुझे ज़रा काम से जाना है, मैं थोड़ी सी देर हो जाएगी मुझे। अब अगर अम्मी पूछे ना तो तू बोलना कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, सही है? क्यों कहाँ जा रही है? यार बस कहीं जा रही हूँ ना, तुझे जितना बोला है तो उतना कर। बता देगी तो शायद मैं भी साथ चलूँ। जी नहीं आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। यार तुम्हारे साथ तो बहुत मसले मसाइल हैं। इन मसलों का हल है ना अपने पास? अगर तुम अपने मसले खुद ना पैदा करो तो तुम्हारे सारे मसले भाग जाएंगे। बस हिम्मत चाहिए। हिम्मत की बात मत करो,
हिम्मत बहुत है मुझ में। मुझे एक एड्रेस पूछना था आपसे। निकाल जल्दी कर, जॉब मुझे निकाल। इसमें मेरा मीडिया का कार्ड है, वो वापसी कर दे, मैं मीडिया में जॉब करता हूँ। कर दे, सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा मीडिया है। मेरे साथ हमारी लड़ाई इसी बात पे हो रही थी, तुम बैठो कि किसके साथ ये बता दो। तू बिठा ले, तू बड़े बाप का बन जा। ओहो, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, क्या हो गया? मैं किसी के साथ भी बैठ सकती हूँ। देख, ये सियासी बयान। सबर कर बेटा, क्योंकि बिल आज नुमान देगा तो मैं नुमान के साथ बैठूंगी। इतना खुश मत हो, उतना खूबसूरत नहीं है, ये सब बिल का कमाल है। चल गाड़ी स्टार्ट कर। ये तो तेरी सोच है ना, बैठ तो वो मेरे साथ ही रही है। तो मुझे शौक भी नहीं है बिठाने का। जब रानो की मुलाकात सनी और नुमान से हुई तो उनकी शक्ल में उसे दो बहुत ही अच्छे दोस्त मिल गए, जिनके सामने वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती थी, जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सकती थी। वह उनके साथ वो अपना कैथारसिस करने लगी थी और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करती थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ट्रस्ट हर इंसान पर नहीं किया जाता। दोस्त भी हर वो अच्छा नहीं होता जो आपकी बातों को सुन रहा है। बहुत से दोस्त लोगों की कमजोरियों का फ़ायदा भी उठाने लगते हैं, और इसी तरह की कुछ सिचुएशन रानो के साथ भी हुई। क्योंकि सनी और नुमान पहले से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में थे, उनका जो एक पर्सनालिटी है वो एक साइकोपैथ पर्सनालिटी के तौर पे सामने आ रही है। वो बहुत से क्रिमिनल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व थे। साइकोपैथ पर्सनालिटीज़ रिलेशंस तो बनाती है, लेकिन वो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाती है, और ऐसा ही कुछ सनी और नुमान ने भी किया। जब उनकी रानो से दोस्ती हुई और उनको ये पता चला कि ये वो लड़की है जो कि ज़रूरतमंद है और उससे वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़रूरत का काम करवा सकते हैं, तो उन्होंने उस दोस्ती को ज़्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया। ये किसका घर है? अरे बताता हूँ, बैठो तो सही। ये मेरे एक दोस्त का घर है, खाली था इसलिए मैंने चाबी ले ली, सोचा कहीं सुकून से बैठते हैं। तो खाना कौन खिला रहा है? अरे तुम भूखा नहीं मारेंगे, खिलाएंगे भी और पिलाएंगे भी। बाहर तो रोज ही खाते हैं, क्यों ना आज पिज्जा मंगा लेते। चल नुमान, ऑर्डर दे यार। अभी कर देता हूँ। क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा लो। हाँ यार, एक पिज्जे की डिलीवरी आ जाए। की तनख्वाह कितनी कितनी है और तुम लोग गुजारा कैसे करते हो? ले बे नुमान, अब तू इसे ये भी बता दे कि हमारी तनख्वाह कितनी है। यही बताने के लिए तो यहाँ लाया हूँ। बस एक बात बताओ, तुम्हारा तनख्वाह में गुजारा हो जाता है? कहाँ यार, बहुत परेशान हूँ, घर का सारा लोड है मुझ पर, और छोटी बहन की शादी भी करनी है, ये भी एक मसला है। तो तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी होती हैं? बेचारी अम्मी पूरी करती हैं, मैं तो सारे पैसे उन्हीं के हाथ में जाकर दे देती हूँ, और छोटी बहन ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा कर लेती है। यार तुम्हारे साथ तो बहुत मसले मसाइल हैं। इन मसलों का हल है ना अपने पास? अगर तुम अपने मसले खुद ना पैदा करो तो तुम्हारे सारे मसले भाग जाएंगे। बस हिम्मत चाहिए। हिम्मत की बात मत करो, हिम्मत बहुत है मुझ में, तभी तो अकेले इतने मसाइल से लड़ रही हूँ। खैर तुम लोग बोलो क्या बोलना चाहते हो। मान लो हमारी बात।
सबके दिल फिर जाएंगे। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या कहना है। तो करना ये है फिकर नहीं करो, ये सारा काम मेरा और नुमान का है, तुमने साथ चलना है बस। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकती ये काम। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ मुझे पता है, इसमें गुजारा नहीं होगा यार। तुम्हारे साथ तो बहुत मसाइल हैं। इन मसलों का हल है ना अपने पास। अगर तुम अपने मसले खुद ना पैदा करो तो तुम्हारे सारे मसले भाग जाएंगे। बस हिम्मत चाहिए। एड्रेस पूछना था आपसे। निकाल जल्दी कर, जो कुछ निकाल। इसमें मेरा मीडिया का कार्ड है, वो वापसी कर दे, मैं मीडिया में जॉब करता हूँ। कर दे, सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा मीडिया है। ये कार्ड का भरना पुलिस वाले को झाड़ी हो। ओहो, तो मीडिया से हो। सबसे ज्यादा तो बदनाम इन लोगों ने किया हमें। चल पक जाएगा, मत चल, निकल। ले पकड़ काट, अब बनाना हम पर भी कहानी। कैसे पता? मुझे सब पता चल जाता है। देख नहीं रही हो? फुहार हो रहे। देख, नाकाम लौटना अपने उसूलों के खिलाफ। हसन साहब यहीं रहते हैं? ये हसन साहब का घर तो नहीं है, यही फ्लैट नंबर बताया था। चल अंदर, चुप, शोर नहीं, बिल्कुल भी शोर नहीं। जी। वालेकुम अस्सलाम। बाइक पर आई थी क्या? तुझे कैसे पता? मुझे सब पता चल जाता है। वैसे था कौन? ओहो, मेरे साथ काम करता है, कभी देर हो जाती है तो मुझे घर ड्रॉप कर देता है। बाजी, कुलीग था या? बकवास बंद। बेटा, अब तो तुझे रोज ही देर हो जाती है। अम्मी, मैंने दूसरी नौकरी ढूंढ ली है, और फिर ओवरटाइम भी तो लगता है ना। बेटा, इतनी मेहनत ना किया कर। अम्मी, नोट ऐसे ही तो नहीं आ जाते ना।
खैर ये 20,000 रुपये आप रखिए और सबसे पहले अपनी दवाइयाँ मंगवाइएगा। ये ले तू भी 2,000 रुपये रख, क्या याद करेगी। ओहो आज तो बड़े नोट बांटे जा रहे हैं। बेटा दुआ किया कर इसकी सेहत के लिए। अम्मा और कितना सेहतमंद करेंगी। अम्मा दुआ कीजिए कि मेरा काम इसी तरह चलता रहे, फिर हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे और हम कोमल की शादी करके बेफिक्र हो जाएंगे। तो तू कब शादी करेगी। वो आए तो थे छोड़ने। रुक तुझे मैं अभी बताती हूँ। ये मेरी पहली वारदात थी साहब। हमने निजी चैनल के एक सहाफी को लूटा था। कितनी रकम लूटी थी। 6,000 नग और एक सेलफोन। पहली वारदात की सारी रकम उन लोगों ने मुझे ही दे दी थी। फिर तो खून मुंह को ही लग गया होगा। कहाँ मिलेंगे वो दोनों। मुझे नहीं पता साहब। हाँ एक बार मुझे सनी ने बताया था कि वो लोग शाह फैसल में रहते हैं। तो तूने कभी उनका घर देखने की कोशिश नहीं की। उनका कहना था कि अगर उनके घर में बीबियां नहीं होती तो शायद वो कभी मुझे अपने घर ले जाते। तुम्हें इस चीज का भी एहसास नहीं था कि आज कितना मुकद्दस दिन है, फिर भी तुम लोग बाज नहीं आए। शायद कुदरत ने इसी बात की मुझे सजा दी है। हम भूल गए थे कि आज छुट्टी है। सनी और नौमान ऑलरेडी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और जब रानो उनसे मिली तो बहुत से एंटी सोशल ट्रेट्स रानो की पर्सनालिटी में भी सामने आने लगे। एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ वो होती हैं जो कि मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ही ईजिली तोड़ देती हैं और ऐसा करते हुए उन्हें किसी भी तरह का गिल्ट नहीं होता। इसी तरह की सिचुएशन कुछ रानो के साथ भी थी, क्योंकि रानो बहुत ही ज़्यादा नीडी भी थी। उसके साथ साथ कह सकते हैं कि ग्रीडीनेस का एक फैक्टर उसकी पर्सनालिटी में शामिल होता जा रहा था, जिसे हम कहते हैं कि लालच उसकी पर्सनालिटी में शामिल हो गई थी। जब उसने ये देखा कि बहुत ही ईजिली वो इस शॉर्टकट से अपनी नीड्स को पूरा कर सकती है, तो उसने मेहनत को छोड़कर उस शॉर्टकट को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर वो दूसरे का क्या नुकसान कर रही है, उसको किस तरीके से हार्म पहुँचा रही है, ये चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थी। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। क्या हुआ, क्यों रोक दी बागी। देख नीरा, आधे घंटे से घूम रहे, कोई मतलब का शिकार ही नहीं मिल रहा। तो फिर क्या करें। अभी घर चलते, शाम को देखेंगे। पागल हो गए हो क्या तुम लोग, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हो। देख नहीं रही हो, ख्वार हो रहे। देख नाकाम लौटना अपने उसूलों के खिलाफ। तो फिर यहाँ बैठ के चेक मारे हम लोग। नहीं आज आईसीयू में काम करते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए आईसीयू में शिकार मारे हुए। इरादा तो ठीक है, कोई है नजर में। हाँ ठहरो, मैं ऊपर का जायजा लेकर आती हूँ। अकेली जाएगी तो क्या हुआ, इस दुनिया में भी तो अकेली आई थी ना। फिकर ना कर, ऊपर जाकर मैसेज करूंगी, आ जाना। ठीक तो कह रही है, जाने दे। सामान तो है ना तेरे पास। वो तो हर वक्त रहता है। हल्का मत ले इसे, बहुत बड़ी चीज है ये। मालूम है। साहब यहीं रहते हैं। हसन साहब नहीं, ये हसन साहब का घर तो नहीं है। अब पता नहीं, मुझे तो यही फ्लैट नंबर बताया था। एक मिनट आप देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ।
मुलजिमा रानो ने रोते हुए पुलिस को बताया कि वो नहीं जानती थी कि उसके साथी उसे इस तरह मुश्किल में छोड़कर फरार हो जाएंगे। वो सिर्फ ये जानती थी कि दोनों मुलजिमान शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी हैं, लेकिन वो उनके घरों से नावाकिफ है। मुलजिमा के मुताबिक दोनों मुलजिमान ने उसे सब्ज बाग दिखाकर वरगलाया और वो अपनी घरेलू परेशानियों की वजह से उनका साथ देने को तैयार हो गई थी। जबकि पुलिस जराए का कहना है कि मुलजिमा आधी मुजरिम, नहायत चालाक और बेबाक लड़की है, जिसने इकरार किया है कि वो दोनों मुलजिमान की दोस्ती में इस कदर आगे बढ़ गई थी कि वो उनके साथ पार्टियों में भी शरीक होती रही है। अब जबकि मुलजिमा पुलिस की गिरफ्त में आ गई है तो अपनी मजबूरियों के किस्से सुनाकर हमदर्दी हासिल करना चाहती है। मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम के आदी थे, जबकि घरेलू डकैतियों के लिए ICU का कोड इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने मुलजिमा से 6,500 नकद, चंद नकली चूड़ियां, सेल फोन और बरामद शुदा पिस्टल जब्त करके मुलजिमा रानो के खिलाफ मुकदमा नंबर 366 में दफा नंबर 23 ए शामिल करके 367 सरकारी मुद्दियत में मुकदमा दर्ज करके उसके दोनों साथियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं जिंदगी के उजालों की खैर मांगता हूँ, गजल की और गजालों की खैर मांगता हूँ। बहुत लजीज नहीं हैं, मगर हलाल तो हैं। मैं अपने खुश्क निवालों की खैर मांगता हूँ।